दोस्तों 6 जून 1981 को एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ था जो आज भी रेलवे के इतिहास में काले धब्बे की तरह है। इस ट्रेन हादसे में ट्रेन की 7 बोगियां ब्रिज तोड़कर नदी में समा गई थी। इस एक्सीडेंट में करीब 800 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। दोस्तों आज यानी कि 3 जून 2023 को हमें फिर से कुछ ऐसा ही ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिला, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक 280 लोगों की मौत बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर ट्रेन एक्सीडेंट भारत में किस वजह से होते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है 350 लोग घायल हो गए हैं। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब हावड़ा जाने वाली 12,864 बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन के कई डिब्बे बालासोर जिले में बहानगा बाजार में 12,841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस जो बगल की पटरी पर जा रही थी पहले आने वाली ट्रेन की पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई, जिसके बाद उसके डब्बे भी पलट गए और बगल की पटरियों पर गिर गए। तब वो बगल में आ रही मालगाड़ी से टकरा गए। तो इस पूरे ट्रेन एक्सीडेंट में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। दोस्तों इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट के मामले काफी टाइम से हमें सुनने में आ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रेलवे के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं उस सब के एक मुख्य कारण जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है वो है डीरेलमेंट्स, यानी कि ट्रेन का पटरी पर से उतरना। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ जाती हैं और फिर जानेंगे कि कैसे ट्रेन पटरी पर से उतर भी जाती है। तो दोस्तों इसके दो कारण हो सकते हैं, एक किसी इंसान से गलती हो जाए और दूसरा तकनीकी खराबी। उड़ीसा हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को अब तक वजह माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सिग्नल की खराबी की वजह से दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टकरार हो गई। दरअसल चालक ट्रेन को कंट्रोल रूम के डायरेक्शन पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। इसे ऐसा समझे कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइट्स के मीडियम से दिखाया जाता है, जैसे कि अगर कोई पटरी पर ट्रेन चल रही है तो वो लाल दिखाएगा और जो पटरी यानी कि रेलवे ट्रैक खाली है वो ग्रीन लाइट दिखाता है। इसी को देखकर लोको पायलट को डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसे मैनमेड गलती कहा जाएगा। और इस इंसिडेंट में ऐसा ही कुछ हुआ जहां पर शायद डिस्प्ले पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि एक ट्रैक पर दो ट्रेन कैसे आ जाती हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि कैसे ट्रेन पटरी से उतर भी जाती है और जब ट्रेन नॉर्मल चलती है तब ऐसा क्यों नहीं होता। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेन किस वजह से पटरी से उतर जाती है। ट्रेन की पटरी से उतरने की कई वजह है, जिसमें मेन वजह की बात करें तो मैकेनिकल फॉल्ट या रेलवे ट्रैक पर लगने वाले इक्विपमेंट्स का खराब होना होता है। इसके अलावा कई बार ट्रेन की बोगी को चलाने वाला एक्सेल टूटने से भी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। पटरियों पर लगातार ट्रेनों के चलने की वजह से लगने वाले फ्रिक्शन से भी ट्रैक बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल और अचानक से ब्रेक लगाना भी ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ देता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इतनी रफ्तार के बाद भी ट्रेन पटरी से क्यों नहीं उतरती, क्योंकि दोस्तों तेज रफ्तार के बाद भी ट्रेन पटरी पर से इसलिए नहीं उतरती क्योंकि इसका कारण है फ्रिक्शनल फोर्स का बैलेंस। अगर नीचे वाला फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले फोर्स से कम है या फिर दोनों में सही बैलेंस नहीं होगा, ट्रेन के टायर्स फिसलने लगेंगे। ट्रेन में ट्रैक्टिव एफर्ट को मेंटेन रखा जाता है जिससे ट्रेन के टायर्स फिसलते नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट यानी कि वो किसी और ट्रेन से टकराने वाली हो तो क्या उस चीज को रोकने के लिए कोई सेफ्टी मेजर्स होते हैं या नहीं। इसका आंसर है हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए ट्रेन में भी काफी इक्विपमेंट्स तक लगाए हैं, जैसे कि ब्रेक्स ट्रेन, ड्राइवर्स सेफ्टी डिवाइस, ट्रैक सर्किटिंग, इंटरलॉकिंग जैसे और भी इक्विपमेंट्स है। पर तब भी इतने इक्विपमेंट्स और सेफ्टी डिवाइस होने के बाद भी भारत में ट्रेन एक्सीडेंट्स इतने क्यों होते हैं, ये अभी भी चौंका देने वाली बात है। दोस्तों आपको कैसी लगी आज की ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए।